top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इम्प्लीकेशन के खिलाफ और जो नरेंद्र मोदी का और उनके पूरे गुजरात की गवर्नमेंट का रोलता उसके खिलाफ उस दिन का दिन याद है कि जो आज जेएनयू में हमने देखने को मिला वो उसकी एक झलक हमको उस दिन मिल गई। हम लोग गेट से निकले नहीं थे कि इस बस में हम जा रहे थे, उस बस को पुलिस ने हाईजैक करके कहीं दूसरी तरफ ले गई और हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। लेकिन आज अगर आपको सीरियसली पूछना है कि जेल का एक्सपीरियंस क्या होता है तो आप उन लोगों से पूछिए जो उस अक्षरधाम अटैक में थे, आप उन लोगों से पूछिए जो ये मुंबई बम धमाके में सीमी के लोगों को फंसाया गया, वो लोग इसके अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं कि जेल क्या होगा। अगर आपको जेल की वारदात पूछनी है तो आप उन सैकड़ों आदिवासियों से भी पूछिए जो 35 केस, 40 केस, 50 केस जिन पे अलग अलग किस्म के केस डाल दिए जाते हैं और वो जेलों के पीछे बंद रहते हैं। अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर के एक जेल में पिछले 3 हफ्ते से बहुत लोगों को पता नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी वारदातें हैं जो कभी सामने नहीं आती। पिछले 3 हफ्ते से भुवनेश्वर की एक जेल में 7 आदिवासी और दलित अंडर ट्रायल्स पिछले 3 हफ्ते से घूम हड़ताल में, और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि हमको बेल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, लेकिन कई कई साल बीत जाते हैं हमको बेल नहीं मिलती। उनका एक डिमांड था कि जब पेशी हो, जब हमारी डेट आए तो हमको कोर्ट में पेश किया जाए, हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल ना किया जाए। उस डिमांड को लेके पिछले 3 हफ्ते से 7 दलित और आदिवासी लोग जिनको नक्सली हिंसा में फंसाया गया है वो लोग भूख हड़ताल पे हैं। अगर सही में जेल के बारे में आपको पूछना है तो वो लोग सही तरीके से बता सकते हैं जेल क्या होगी। ऐसे लोग चाहे वो जेल साई बाबा हो, चाहे वो अरुण परेरा हो, जो डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, जो इन सारे सवालों में बात करते रहे और उन लोगों को जेल में मारने की अलग अलग साजिशें की गई, यहाँ तक जो आज खबर आ रही है साई बाबा ने बताया है कि उनको जेल में लाइफ सेविंग ड्रग्स जिसके बिना वो जी नहीं सकते, सरकार ने वो डिनाई कर दिया था कि जेल के अंदर वो नहीं देंगे। तो अगर आपको सीधा गोली से नहीं मार पाते, आपको वो सीधे तरीके से शाहिद आजमी और बदहुलकर पंसारे कलबुगी को मारा, अगर आपको उस तरीके से चूक नहीं करा पाते तो अलग अलग षड्यंत्र अपनाते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज के समय जो एक गंभीर समय से हम गुजर रहे हैं उस पर एक सवाल निशान खड़ा करते हैं। और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, चाहे वो जनवाद क्वेश्चन हो, चाहे वो इंसाफ क्वेश्चन हो, चाहे वो आजादी का क्वेश्चन हो, इन सारे सवालों को दबाने की साजिश है।